गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बच्चों, आप सभी पहले कक्षा में हो और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है ना? हाँ बच्चों, इससे पहले हमने कुछ वर्णों की पहचान की थी। आपके ध्यान में है किन वर्णों की पहचान हमने की थी? हाँ, आज हम कुछ नए वर्णों की पहचान करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो आपके पास यह बुक होगा जो हमारा है बुक। हाँ, तो इसमें से यदि पेज नंबर 52 निकालोगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ण दिखाई देगा। तो इस वर्ण को न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न। लेकिन ये न की हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे वर्कशीट में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये न वर्ण के सामने आपको एक थाली दिखाई देगी, है ना? हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पे निकाली है। हाँ, न वर्ण के नीचे तो ये थाली है। तो ये थाली कैसी है बच्चों? इस थाली में कुछ है क्या आपको दिखाई दे रहा है? कुछ है? लड्डू, मिठाई में जलेबी या फूल, फल, कुछ है इस थाली में? बिल्कुल नहीं है। तो ये थाली कैसी है? खाली है। क्या है? खाली है। उसी प्रकार न वर्ण किस तरह है? वो खाली है, उससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो चलो अभी देखो। पर आपको पेंसिल से यहाँ पर न लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। हाँ बच्चों, हाँ। तो चलो फिर अब हम ये बोलने वाले हैं। न खाली है ऐसी खाली जैसे भोजन के न थाली। न तरबूज की मोटी खाल हरा है।
लाल लाल कलर का होता है, लाल लाल रंग होता है ना। हाँ, और वो स्वाद में किस तरह होता है, बहुत ही मीठा होता है। आपको पसंद है तरबूज? हाँ, तो बच्चों आपको यहाँ पे तो यह वर्ण लिखना है, और लिखते समय आपको जोर जोर से बोलना है, तो से तरबूज, तो से तराजू, तो से तारा, इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टार दिखाई देगा, हाँ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तारा, यस। तो आपको ये क्या करने हैं, ये जो डॉट्स दिए हुए हैं इनको जॉइन करने हैं, और यहाँ पे आपको तो यह वर्ण लिखना है, और इस तारे को आपको क्या करना है, अच्छे से कलर करना, ठीक है। जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। बहुत ही आसान है ना। हाँ, तो इसके बाद हमारा अगला वर्ण है थ। कौन सा वर्ण है थ? बच्चों हमारा अगला वर्ण है थ। थ कौन सा वर्ण है? थ। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई देगा। ये किसका चित्र है? हाँ, ये है थर्मस। हाँ, इसमें यदि हम गर्म वस्तु रखेंगे, चाय या कॉफी रखेंगे, तो ये कैसी रहती है? गर्म रहती है। और यदि हम इसमें ठंडा शरबत रखेंगे तो ये ठंडा शरबत रहता है ना। हाँ, थर्मस में कोई भी चीज जिस प्रकार हम रखते हैं उसी प्रकार कई घंटों तक रहती है ना बच्चों। हाँ, आपने देखा है थर्मस? हाँ, वेरी गुड। तो देखो, ये है थर्मस। तो थर्मस यह जो शब्द है ये थ वर्ण से शुरू होता है, ठीक है। तो चलो अभी पढ़ो मेरे साथ। थ से थर्मस, बड़ा प्यारा दूध रखता गरम हमारा। थ से थर्मस, बड़ा प्यारा दूध रखता गरम हमारा। तो इसमें, इस थर्मस में यदि हम दूध रखेंगे, गरम गरम दूध रखेंगे, तो वो कई घंटों तक गरम रहता है, ठीक है बच्चों। हाँ, और यहाँ पे आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? थैला। थैला यानी कि बैग। तो आपको यहाँ पे थ वर्ण लिखना है, और इस बैग को, इस थैले को अच्छे से क्या करना है, डेकोरेट करना है। आपको इसको रंग भरने हैं इसमें। हाँ, ये हमारी बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है ना। हाँ, और आपको पेंसिल का इस्तेमाल करके अच्छे से थ लिखने की यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने एक, दो और तीन वर्णों की पहचान की है, लेकिन न वर्ण की हमें कोई वर्ण छुड़ानी नहीं है, सिर्फ लेखन सराव करना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद यह हमारा है त वर्ण। तो त से मैंने बताया कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है ना। त से तारा, स्टार, जिसको हम हिंदी में तारा कहते हैं। हाँ, त से तारा, त से तराजू, त से तबला, त से ताला, कई सारे शब्द होते हैं, है ना। हाँ, इस त के बाद हमने थ वर्ण देखा। तो थ से थैला, यह शब्द हमने देखा है ना। थैला यानी कि बैग। थ से थर्मोस, थ से थैला, कितने सारे शब्द हैं। यदि आप हमारी ये वर्कशॉप देखोगे तो आपको और कई सारे शब्द दिखाई देंगे। कौन से शब्द है? देखो, थर्मामीटर। हाँ, और क्या है? थक गया ये बच्चा, ऐसे चलते चलते थक गया, भागते भागते थक गया, वो खड़ा है। हाँ, थाली, यह भी शब्द है। और थन, हाँ, ये भी शब्द है। तो थ इस वर्ण से कई सारे शब्द तैयार होते हैं। तो बच्चों, आपको इस तरह से आपकी कॉपी में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में क्या करना है, हाँ, इसको लिखना है अच्छे से। हाँ बच्चों,
और इसके बाद आपको हमारे जो वर्कशीट है जो हमारी त और थ की है ना आपके पास, ये वर्कशीट है सबके पास। हाँ, तो त वर्ण की और थ वर्ण की आपको अच्छे से क्या करनी है, वर्कशीट भी चुनानी है। तो अभी आप सब होशियार हो चुके हो है ना, पढ़ाई कर करके आपको अभी मालूम हुआ है हमें पहले बहुत में पढ़ाई करनी है, उसके बाद कॉपी में करनी है, हाँ उसके बाद हमें वर्कशीट छुड़ानी है। हाँ, बहुत ही आसान है हमारी पढ़ाई है ना। वेरी गुड, तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो।